गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आई विल डिस्कस अबाउट मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्ब। आज हम मसल्स ऑफ द हिप, हिप में पाई जाने वाली मसल्स एंड लोअर लिम्ब यानी पैर में पाई जाने वाली मसल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो व्हाट आर द मेन मसल्स ऑफ द हिप एंड लोअर लिम्ब? द बिगेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड हियर। यहाँ पे बॉडी की बिगेस्ट यानी काफ़ी बड़ी बड़ी मसल्स भी पाई जाती हैं, उनमें से कुछ मेन मेन जो मसल्स हैं हम उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी के बिगेस्ट मसल्स हैं एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी, बिकॉज ऑफ पूरी बॉडी का जो वेट है यही सारी मसल्स हमारी सहती हैं या फिर बॉडी का वेट बियर करती हैं। उनमें से कुछ हम मेन मेन मसल्स हैं एरो के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो सामने पिक देख रहे हैं इसमें हमारे लोअर लिम्ब की कुछ मेन मसल्स हैं जो हमारे बॉडी के स्टैंड अप पोजीशन के लिए हेल्प करती हैं, और ये बॉडी की बिगेस्ट यानी काफ़ी बड़ी मसल्स भी होती हैं, और इसके अलावा ये हमारे बॉडी का वेट भी बियर करती हैं। उनमें से हम एरो के माध्यम से एक एक समझ लेते हैं। फर्स्ट देखिए, ये यहाँ पे ये इलिकस मसल्स होती हैं, और नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरी है उसके जस्ट साइड से ये सोयास मसल्स होती हैं, और इसके अलावा सार्टोरियस मसल्स आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली सार्टोरियस मसल्स भी एक होती है, और सार्टोरियस के अलावा वेस्टस लैटरालिस ये मसल्स यहाँ पे है, इसका भी हम आसी क्लास में डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट है वेस्टस मीडियालिस, ये जो मसल्स है इस वेस्टस मीडियालिस मसल्स का भी आसी क्लास में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। एंड सॉलियस, ये जो मसल्स है ये कुछ मेन मसल्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में हम करेंगे। लोअर लिम्ब की जो मसल्स होती हैं इनका मेन वर्क क्या क्या होता है पहले हम ये जानें। सिंस देयर फंक्शन इज लार्जली इज वेट बियरिंग, ये जितनी भी मसल्स होती हैं इनका जो लार्जली फंक्शन होता है वो वेट बियरिंग होता है यानी पूरे बॉडी के वजन को बियर करना या संभालना। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिजाइन टू ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ द बॉडी वेट इन वॉकिंग रनिंग एक्सेट्रा। जो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की मसल्स होती हैं जैसे कि हमारे लोअर लिम्ब पे, तो ये डिजाइंड होती हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे बॉडी का जो पूरा वजन है तो वो उस पूरे वजन को या फिर पूरे वजन के बॉडी के फोर्स को ये संभाल सकें। कब? जब हम वॉकिंग यानी टहलते हैं, जब दौड़ते हैं, ये वेट बियरिंग मसल्स भी बोली जाती हैं। इवनली थ्रू आउट वेट बियरिंग स्ट्रक्चर एंड एज शॉक एब्जॉर्बर, और ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करती हैं। जैसे आप किसी चबूतरे से कूदेंगे या तो फिर जोर से दौड़ेंगे तो ये जितनी भी मसल्स हैं ये सारी की सारी वजन को संभाल लेती हैं हमारी बॉडी को, और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी काम करती हैं। इनमें से हम एक एक करके मेन मेन मसल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। फर्स्ट है सोयास मसल्स। दिस एराइजेस फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द बॉडी ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। जैसे कि मैंने वर्टिब्रल कॉलम में लंबर वर्टिब्रा दिखाई थी तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम में ये सबसे लास्ट बोन होती है सैक्रम एंड कॉकेक्स, उसके जस्ट एबव पे ये फाइव बोन्स जो होती हैं वो लंबर बोन्स या फिर लंबर वर्टिब्रा होती हैं। तो ये जो सोयास मसल्स होती है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द बॉडीज ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, ये साइड में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्टार्ट होती है। इट पासिस अक्रॉस द फ्लैट पार्ट ऑफ द इलियम, ये जो इलियम ईसियम प्यूबिक बोन है तो ये यहाँ से फ्लैट पार्ट से पास होते हुए बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट टू बी इंसर्टेड इन टू द फीमर, और ये फीमर बोन यहाँ पे इंसर्टेड होती है। टुगेदर विद द इलिकस इज इट फ्लेक्स द हिप ज्वाइंट, ये जो हिप ज्वाइंट होता है यहाँ पे ये हिप ज्वाइंट है, तो हिप ज्वाइंट को ये फ्लेक्शन
और एक्सटेंशन यानी फ्लक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मसल का हम डिस्कस करेंगे इलिकस मसल्स। ये जो सामने देख रहे हैं ये इलिकस मसल्स होती है यहाँ पे। दिस लाई इन द इलियाक फोसा, लाई मीन्स इसकी स्थिति होती है, इलियाक फोसा ऑफ द इनोमिनेट बोन। इसकी जो स्थिति होती है ये इनोमिनेट बोन जो हिप बोन होती है तो उसके इलियाक फोसा से ये स्टार्ट होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियाक क्रस्ट। इलियाक क्रस्ट जो इलियाक बोन का जो मुड़ा हुआ पोर्शन होता है वहाँ से स्टार्ट होती है एंड जॉइंट द टेंडन ऑफ द सोयास मसल्स टू द इंसर्टेड इनटू द लेजर ट्रॉक्लियर ऑफ द फीमर। यहाँ पे अंदर फीमर बोन होती है तो लेजर ट्रॉक्लियर ऑफ द फीमर वहाँ पे ये बोन ये मसल्स इंसर्ट होती है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ द इलिकस एंड सोयास फ्लक्स द हिप जॉइंट। जो हिप जॉइंट को ये फ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द इलिकस यानी इलिकस मसल्स और सोयास मसल्स ये दोनों मिलकर के हमारे हिप जॉइंट को फ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्शन मूवमेंट का नाम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिसेप फीमोरिस। ये जो सामने देख रहे हैं तीन मसल्स ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स का कॉम्बिनेशन ग्रुप होता है। इनमें मेन चार मसल्स होती हैं। कौन कौन सी अभी हम इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। दिस इज अ ग्रुप ऑफ फोर मसल्स। ये चार मसल्स का ग्रुप होता है लाइंग ऑन द फ्रंट एंड साइड ऑफ द थाई। फ्रंट मतलब सामने की ओर से और साइड में ये मसल्स पाई जाती हैं। दे आर द रेक्टस फीमोरिस। ये जो मसल्स देख रहे हैं ये वाली होती है हमारी रेक्टस फीमोरिस मसल्स। एंड तीन मसल्स और होती हैं जिसमें से लैटरालिस होती है। ये आप ये देख रहे हैं ये वेस्टस लैटरालिस ये जो साइड में है ये मसल्स एंड मीडियालिस वेस्टस मीडियालिस ये जो देख रहे हैं ये वेस्टस मीडियालिस मसल्स हैं एंड इंटरमीडियस और इसके बीच में इंटरमीडिएट मसल्स भी होती हैं जो कि ये चार मसल्स का ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्चुरेटर मसल्स का। द ऑब्चुरेटर्स डीप मसल्स ऑफ द बटक्स। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हिप बोन होती हैं और इनोमिनेट बोन भी होते हैं तो ये जो ऑब्चुरेटर मसल्स होती है डीप ऑफ द बटक्स यानी बटक्स के डीप पोर्शन में पाई जाती हैं। हैव देयर ओरिजिन इन द रिम ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। यहाँ पे इस बोन पे यहाँ पे ऑब्चुरेटर फोरामेन होता है तो वहाँ से इंसर्टेड होते हुए ये कहाँ पे पहुँचती है प्रॉक्सिमल फीमर तक। ये फीमर जो बोन होती है उसके प्रॉक्सिमल एंड तक ये मसल्स होती है। देयर मेन फंक्शन लाई इन द लैटरल रोटेशन ऑफ द हिप। ये जो हिप जॉइंट है यहाँ पे ये जो हिप जॉइंट होता है तो हिप जॉइंट के ये लैटरल रोटेशन मूवमेंट इसी मसल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट आई एम डिस्कस अबाउट द ग्लूटियस मसल्स। ये पिक में देखिए जो ग्लूटियस मसल्स होती है वो थाई के साइड पोर्शन में यानी पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है। ये ग्लूटियस मसल्स होती है। दीज कंसिस्ट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। इसमें दो कुछ मसल्स इंक्लूड होती हैं जिसमें से ग्लूटियस मैक्सिमस होता है मीडियस होता है एंड मिनिमस। ये इतने मसल से मिलकर के ग्लूटियल मसल्स बनती है विच टुगेदर फॉर्म द फ्लैसी पार्ट ऑफ द बटक्स यानी बटक्स का ये फ्लैसी पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियम एंड सैक्रम। ये जो इलियम और सैक्रम बोन होती है हम अभी दिखाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे ये इलियम एंड सैक्रम इलियम इशियन एंड प्यूबिस बोन जो होती है तो इलियम एंड सैक्रम पोर्शन होता है इसमें तो ये वहाँ से स्टार्ट होती हैं एंड इंसर्टेड इनटू द फीमर। ये जो फीमर बोन होती है ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। दे कॉज एक्सटेंशन एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन एट द हिप जॉइंट। ये जो आप हिप जॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है तो इसमें ये एक्सटेंशन मतलब
सीधा करना। तो ये पैर को सीधे करने के लिए एबडक्शन, बॉडी के मिड लाइन की ओर जो मूवमेंट होता है वो एबडक्शन होता है, एंड मीडियल रोटेशन, जो मीडियल रोटेशन होता है साइड टू साइड, वो मीडियल रोटेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम मसल्स का डिस्कस करेंगे, सार्टोरियस। ये जो बड़ी सी मसल्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सार्टोरियस मसल्स होती है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। अगर हम लंबाई के हिसाब से देखें तो सार्टोरियस मसल्स हमारे बॉडी की सबसे लंबी मसल्स होती है, एंड क्रॉसेस बोथ द हिप एंड नी जॉइंट, और ये क्रॉस करते हुए हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट को भी क्रॉस करती है। यानी जो हमारा हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट का इसके ऊपर होता है वहाँ, और ये नी जो घुटने वाला जॉइंट होता है, इन जॉइंट को भी ये पासिस करती है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। तो ये एंटीरियर और सुपीरियर इलियाक स्पाइन, यानी हमारे इलियाक बोन होता है जो उसका स्पाइनस प्रोसेस, तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है एंड पासिस ऑब्लिक्विली, ऑब्लिक मतलब तिरछे, तिरछा होते हुए ये क्रॉस करती है टू द हिप जॉइंट, यानी हमारे हिप जॉइंट को भी क्रॉस करती है, एंड नी जॉइंट, और नी जॉइंट को भी क्रॉस करती है, यहाँ पे नी जॉइंट होता है, टू बी इंसर्टेड इन टू द मीडियल सरफेस ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ अपर पार्ट ऑफ द टीबिया, और ये टीबिया के अपर पार्ट में ये इंसर्ट होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फ्लेक्शन एंड एडक्शन एट द हिप जॉइंट। तो ये जो हिप जॉइंट यहाँ पे ऊपर होता है, तो हिप जॉइंट को ये फ्लेक्शन एंड एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन, ये दोनों मूवमेंट नी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मसल्स होती है हैमस्ट्रिंग मसल, हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, यानी थाई के पिछले वाले हिस्से में पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे दो मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग, ये वाली और ये। दीज लाई ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द इस्चियम, जो इलियम इस्चियम और प्यूबिक बोन होती है हिप में, तो ये इस्चियम से ओरिजिनेट होती हैं, एंड इंसर्टेड इन टू द अपर एंड ऑफ द टीबिया। यहाँ पे ये टीबिया बोन होती है तो ये यहाँ पे इंसर्ट होती है। दे आर बाइसेप्स, फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडीनियस मसल्स। दे फ्लेक्स द नी जॉइंट, और ये हमारे जो नी जॉइंट में फ्लेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर टीबियालिस। एंटीरियर टीबियालिस मसल्स क्या होती हैं और कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पे इंसर्ट होती है। ये जो मसल्स देख रहे हैं ये एंटीरियर टीबियालिस मसल्स होती है। दिस ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर इंड ऑफ द टीबिया। अपर इंड टीबिया का यहाँ पे होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइज ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेग, और इसकी स्थिति एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेग यानी फ्रंट की ओर लेग पे होती है, एंड इज इंसर्टेड इन टू द मिडल क्यूनिफॉर्म बोन। यहाँ पे क्यूनिफॉर्म बोन जो होती हैं यहाँ पे पैर में, तो ये वहाँ पे इंसर्ट होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फ्लूट फुट। तो ये जो फुट का, ये जो पैर देख रहे हैं, इसका डॉर्सी फ्लेक्शन जो मूवमेंट होता है ये इसी मसल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट लोअर लिम्ब की और मसल्स हैं सॉलियस मसल्स, इसका हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द वन मेन मसल्स ऑफ द काफ। ये जो सामने देख रहे हैं ये सॉलियस मसल्स हैं यहाँ पे, तो ये दिस इज़ द वन मेन मसल्स ऑफ द काफ, यानी पैर का जो काफ वाला पोर्शन बनता है हमारा, तो ये सॉलियस मसल्स की वजह से ही बनता है। तो ये हमारे सॉलियस मसल्स काफ की मेन मसल्स कही जाती है। लाइंग इमीडिएटली डीप टू द
गैस्ट्रोसिनिमियस, गैस्ट्रोसिनिमियस ये जो मसल्स होती हैं इनके जस्ट इसके इमीडिएटली डीप में यानी इनसाइड पे पाई जाती है। इट हेल्प टू स्टेबलाइज द जॉइंट व्हेन स्टैंडिंग, जब हम खड़े होते हैं यानी जैसे ज़मीन पे बैठे होंगे फिर इसके बाद खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होने के जब स्टैंडिंग पोजीशन होता है तो उस समय पे स्टेबलाइज द जॉइंट यानी हमारे जो जॉइंट होते हैं हमारे नी जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट, तो इसको स्टेबलाइज करने का काम करती है, मतलब कि सीधा खड़ा रखने में ये हेल्प करती है। सो आज की क्लास का हम समराइजेशन कर लेते हैं। आज हमने जो डिस्कस किया वो हिप में यानी यहाँ पे जो हमारा हिप वाली बोन्स होती हैं यहाँ पे पाई जाने वाली मसल्स, प्लस ये जो हमारे लेग में यानी लोअर लिम्ब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक यानी हम पूरे पैर में पाई जाने वाली सारी मसल्स का एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन किए हैं। उनमें से कौन कौन सी मसल्स थी उनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आज जो हमने लोअर लिम्ब पे पाई जाने वाली मसल्स का डिस्क्रिप्शन किया उनमें से ये इलिकस मसल्स थी, सोयास मसल्स का डिस्क्रिप्शन किया है, सार्टोरियस मसल्स ये जो बॉडी की सबसे बड़ी होती है मसल्स इसका भी डिस्क्रिप्शन किया, और इसके अलावा ये एडक्टर ग्रुप यानी रेक्टस फीमोरिस इस मसल्स का भी, वेस्टस मीडियालिस इस मसल्स का और वेस्टस लैटरालिस इन मसल्स का डिस्क्रिप्शन किया है, और लास्ट में जो हमने डिस्कस किया सोलियस मसल्स का डिस्क्रिप्शन किया है और एंटीरियर टीबियालिस ये मसल्स जो अभी हमने डिस्क्रिप्शन इसका भी किया है, और इसके अलावा कुछ मसल्स और थी जिसमें से हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड ग्लूटियल मसल्स। तो ये सारे हमारे लोअर लिम्ब पे पाई जाने वाली मसल्स थी जिनका हम डिस्क्रिप्शन किए हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास का हिप एंड लोअर लिम्ब की मसल्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। अब हम नेक्स्ट क्लास में मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये जो सामने देख रहे हैं ये पेल्विक कैविटी होती है। हमारी बॉडी में चार कैविटीज़ होते हैं, हम पहले भी बताए थे। एक होती है हमारी क्रेनियल कैविटी, ये क्रेनियल कैविटी हमारे स्कल के अंदर पाई जाती है यानी खोखला पोर्शन जिसमें ब्रेन रहता है वो क्रेनियल कैविटी। दूसरा हमारा होता है ये थोरैसिक कैविटी, तो ये थोरैसिक कैविटी में लंग्स और हार्ट रहते हैं। तीसरी कैविटी हमारी होती है एब्डोमेन कैविटी, यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और चौथी कैविटी हमारी होती है यहाँ पे, ये होती है हमारी पेल्विक कैविटी। तो इन नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट क्लास में इस पेल्विक फ्लोर पे पाई जाने वाली मसल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। इनमें मेल और फीमेल में अलग अलग मसल्स पाई जाती हैं, और इसके अलावा जो पेल्विक का शेप एंड साइज होता है वो भी मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीन्स कि जो फीमेल का पेल्विस होता है वो गायनेकॉइड पेल्विस कहलाता है, और जो मेल का पेल्विस होता है वो एंड्रॉइड पेल्विस कहलाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पेल्विक फ्लोर पे पाई जाने वाली मसल्स का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।